नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। यूजीसी द्वारा चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के दूरस्थ पाठ्यक्रमों की मिली मान्यता। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर वी के कायत ने दी है जानकारी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी पूरी जानकारी। आगामी 2 वर्षों के लिए मान्यता। 5 नए स्नातक और पाठ्यक्रमों को मिली है मान्यता। कुल 14 पाठ्यक्रमों में दूरस्थ निदेशालय से संचालित करने की मिली है स्वीकृति। वहीं पुलिस प्रशासन के सहयोग से शांतिपूर्ण ढंग से करवाए जाएंगे छात्र संघ चुनाव। आप देख रहे हैं सिरसा पलपल से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के दुरुस्त निदेशालय से चल रहे 14 पाठ्यक्रमों को यूजीसी ने मान्यता प्रदान कर दी है। एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से आनी है, वो जैसे ही नोटिफिकेशन हो जाएगा, आजकल में संभावना है नोटिफिकेशन होने की, जैसे ही होगा तो हम छात्र संघ के चुनावों में तैयारी करेंगे और विद्यार्थियों को जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करके इलेक्शन करवाएंगे उनके। और नए स्टूडेंट्स के लिए कहीं हमने अलाउ नहीं किया, वही स्टूडेंट्स जिनकी हार्ड कॉपी सबमिट नहीं हो पाई थी, ताकि उन सबको रोल नंबर मिल जाए, सभी को अवसर मिल जाए, वो टेस्ट में अपीयर हो पाए और कहीं इनजस्टिस ना हो किसी के साथ, इसको इंश्योर करने के लिए हमने वो किया। और अब डेट हमने उसकी इसी संडे को 7th को जो है ना कि द टेस्ट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड और उसमें वो हो जाएगा। और टाइमली हम लोगों ने ये इंश्योर किया है कि हम टाइमली जो है ना कि उनका शेड्यूल दें, उनका एडमिशन्स, उसकी काउंसलिंग टाइम पर हो जाएँ और उनका एडमिशन्स टाइम पर हो जाए। नंबर 16 जारी है। हाँ, वो काफ़ी के हो गए हैं। और 2 दिन पहले मेरे ख्याल में हमने 5 तारीख तक हार्ड कॉपी की डेट रखी है, 5 तक 6 तक हम जो है ना कि सारे रोल नंबर्स भेज देंगे उनको। विश्वविद्यालय की ओर से ये खुशी हो रही है कि हमारे स्टाफ की वजह से, हमारे स्टाफ के रजिस्ट्रार साहब ने, डीन एकेडमिक अफेयर और डिस्टेंस जो UCDL है हमारे यहाँ, डिस्टेंस कोर्सेज जो चलाते हैं हम लोग डिस्टेंस लर्निंग के, उन सब ने मिल करके उन डेफिशिएंसीज को पूरा करने के बाद कल 3 तारीख को हमारे को वो सभी कोर्सेज जिनके लिए हमने अप्लाई किया था उनकी हमें मान्यता मिल गई है। और इसमें खुशी की बात यह है कि 5 नए कोर्सेज भी हमें इसमें मिले हैं, जिसमें MCOM पहले हमारे यहाँ नहीं चलता था। और 5 कोर्सेज में हिस्ट्री, कॉमर्स, हिंदी, संस्कृत और पंजाबी, ये नए कोर्सेज भी हमें इस बार मिले हैं। और इससे हमारे विश्वविद्यालय का एजुकेशन के फील्ड में, खासकर जहाँ जहाँ हमारा एरिया है, हमारी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उनके विद्यार्थियों को तो सीधा फायदा होगा ही। देश के दूसरे प्रांतों से भी विद्यार्थी इसमें आते हैं, पंजाब से, राजस्थान से, यहाँ तक दिल्ली तक के, हरियाणा के समस्त प्रांतों के, जिलों के और दूसरे प्रांतों के विद्यार्थी, हज़ारों विद्यार्थी जो लोग रेगुलर एडमिशन नहीं ले पाते हैं, जॉब करते हैं या अपना कोई बिजनेस करते हैं, अपने कोई रोज़गार, दुकानदारी या कुछ भी काम करते हैं, ऐसे हज़ारों विद्यार्थियों को इससे फ़ायदा होने वाला है। और इससे हमारी यूनिवर्सिटी का एकेडमिक जो एरिया है वो भी बढ़ेगा, एकेडमिक परसूट हम लोग और बढ़ा पाएंगे, हमारी यूनिवर्सिटी में सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ा पाएंगे हम लोग।